और गाइस ये है पार्क का इंटर गेट, और यहाँ से हम पार्क के अंदर इंटर होते हैं। और गाइस पार्क के सामने का जो व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज हूँ मैं कोटा में, और गाइस कोटा के चंबल गार्डन के पास में ही था, तो मैं अभी चंबल गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए आ गया। यहाँ के जो व्यू हैं मैं आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस आप लगातार इस वीडियो में बने रहिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। सो गाइस चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ के व्यू। गाइस अभी मैं आ गया हूँ चंबल किनारे, और गाइस ये है चंबल का व्यू, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है हैंगिंग ब्रिज। और गाइस ये चंबल का व्यू है, काफ़ी खूबसूरत है ये। और गाइस ये जो सामने है ये है सुपर थर्मल पावर प्लांट, और गाइस यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। और ये है चंबल का किनारा, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है कोटा बैराज, जो यहाँ से थोड़ा दूर है, और ये है चंबल। और गाइस ये है वॉकवे, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गाइस ये लटकता हुआ पुल है, और मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। ये बे है, और इसके साइड में अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं, और काफ़ी सुंदर है। और गाइस ये है फ्लावर पार्क, और यहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर फूल हैं। और गाइस यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, फिर यहाँ बातें करते हैं और काफ़ी टाइम बिताते हैं इधर, तो लोग अब बैठे हुए हैं। और मैं अभी घूम रहा हूँ इधर पार्क में, सो व्यू काफ़ी सुंदर है। और गाइस मैं चढ़ रहा हूँ अभी एक ब्रिज के ऊपर, और गाइस यहाँ से एक रास्ता निकला है, उसके लिए एक ब्रिज बनाया है ताकि इस पार्क से दूसरे पार्क में जा सकें। सो गाइस मैं अभी उस ब्रिज के ऊपर ही चढ़ रहा हूँ, और यहाँ से मैं आपको सारे व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। और गाइस यहाँ से मुझे लगता है जो भी व्यूज हैं काफ़ी खूबसूरत दिखेंगे। इधर इस पार्क का व्यू है ये, और ये है दूसरा पार्क, इसका व्यू काफी खूबसूरत दिख रहा है। और गाइस ये है दूसरा पार्क जिसका मैं इस ब्रिज के ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ, और काफी खूबसूरत है, आप देख सकते हो। और गाइस यहाँ झूले एंड फिसल पट्टी वगैरह बच्चों के लिए लगे हुए हैं ताकि बच्चे यहाँ एक्टिविटीज़ कर सकें, और आगे भी बहुत सारे बच्चों के हैं जो बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़, फिसल पट्टी एंड झूला वगैरह जो भी है सब बच्चों के लिए। और गाइस ये है एक बड़ी मछली जो एक छोटे से तालाब से निकाली गई है, और गाइस कुछ समय पहले इस मछली के मुंह से प्रवेश करते थे और इसके पूंछ साइड से बाहर निकल जाते थे, अब पता नहीं क्यों इसके मुंह को पैक कर दिया है। और गाइस अभी मैं हूँ डायनासोर पार्क में, और यहाँ बहुत सारे डायनासोर हैं, एक डायनासोर आपको सामने दिख रहा है, और गाइस और बाकी डायनासोर इधर बनाए गए हैं। और गाइस ये कोई डायनासोर रियल नहीं है, ये सब सीमेंट के बनाए गए हैं, तो आप देखिए। सो गाइस शायद काफ़ी टाइम से इन पर कलर नहीं हुआ है, जो इनका कलर अभी फीका फीका दिख रहा है। एक डायनासोर ये है, और एक डायनासोर अभी आगे है। और गाइस एक डायनासोर इधर है ये। और गाइस हमारे सामने है ओपन जिम, ये इस गार्डन की ओपन जिम है। और गाइस अभी मैं आ गया हूँ ओपन जिम में, एक बच्चा रेसिंग कर रहा है,
सो गाइस देखिए आप पीछे का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और गाइस अभी पब्लिक बहुत कम हो गई है क्योंकि अभी टाइम हो गया है 8 और गाइस मॉर्निंग का टाइम होता है उस टाइम पब्लिक कुछ ज़्यादा रहती है इधर। और अभी बस गिने चुने लोग हैं, बस सब निकलते जा रहे हैं। जब सुबह का टाइम होता है सब तब सबसे ज़्यादा पब्लिक यहाँ आती है। और गाइस मैं आ गया हूँ एक ब्रिज के ऊपर और यहाँ से देखिए आप व्यू, चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल आप देख सकते हो व्यूज तो बहुत ही खूबसूरत है इधर। और गाइस यहाँ से जो व्यू हैं वो काफ़ी खूबसूरत आते हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए बहुत ही सुंदर व्यू। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और गाइस इस गेट से हम पार्क से एग्जिट हो गए हैं, और गाइस आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।